हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 8 में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी एंड म्यूटेशंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज ग्रेटर, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। यदि क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो लिंकेज की स्ट्रेंथ एंड रिकॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ क्या होगी। यानी हमें बस ये बताना है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी या रिकॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द अदर नेम यूज्ड फॉर फिनोमिना ऑफ रिकॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना के लिए कौन सा दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल्स स्टडी मेनली डिस्क्राइब्ड दोस ट्राइड्स हु हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर आइदर पर्पल और वाइट। मेंडल की स्टडीज केवल उन करेक्टर्स पर थी जिनके अल्टरनेटिव्स क्लियरली पता लग जाते थे, जैसे फूलों के रंग, वह या तो पर्पल होता या वाइट, यानी दोनों अल्टरनेटिव्स एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, यानी देखकर ही उनका पता लगाया जा सकता है। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रायड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। लेकिन यदि आप आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे करेक्टर्स हैं जिन्हें कि देखने से नहीं पता चलता कि वो कितने अलग हैं, यानी जिन्हें देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो आपस में डिफरेंट है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। उदाहरण के लिए, मनुष्यों में हमारे पास केवल लंबे या छोटे लोग नहीं, यानी हाइट के केवल दो अल्टरनेटिव्स नहीं बल्कि एक पूरी रेंज है संभावित हाइट्स की। सच ट्राइड्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड आर दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्राइड्स। ऐसे ट्राइड्स ज़्यादातर 3 या इससे अधिक जीन्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं तथा इस फिनोमिना को या इन ट्राइड्स को हम पॉलीजेनिक ट्राइड्स कहते हैं। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Polygenic inheritance में ना केवल कई genes भाग लेते हैं, साथ ही साथ इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। Human skin color is another classic example for this. मनुष्यों की चमड़ी का रंग भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। In a polygenic triad, the phenotype reflects the contribution of each allele, that is, the effect of each allele is additive. Polygenic triad में हर जीन का इफेक्ट जीव की फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षण पर पड़ता है, यानी हर एलील एडिटिव है। To understand this better, let us assume that 3 genes, capital A, capital B, and capital C, control skin color in human, with the dominant forms, capital A, capital B, and capital C, responsible for dark skin color, and the recessive forms, small a, small b, and small c, for light skin colors. इसे समझने के लिए 3 genes को assume कीजिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो कि चमड़ी के रंग को मनुष्यों में कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी तीनों ही डार्क स्किन कलर बनाते हैं तथा डोमिनेंट हैं, साथ ही स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लाइट स्किन कलर बनाते हैं तथा रिसेसिव हैं। The genotype with all the dominant alleles, capital A, capital A,
कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड डैट विद ऑल द रिसेसिव एलील्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर। यदि जीनोटाइप में सभी डोमिनेंट एलील्स होंगे जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तो जीव की सबसे डार्क स्किन होगी तथा जिसकी जीनोटाइप के सभी रिसेसिव एलील्स होंगे जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसकी सबसे लाइट स्किन होगी। As expected, the genotype with three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color. जैसा कि अंदाजा है कि यदि genotype में तीन dominant allele तथा तीन recessive allele हो, तो skin का color intermediate होगा, यानी ना dark ना light. In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. इस तरह जीनोटाइप में हर लाइटनेस या डार्कनेस का एलील स्किन कलर को निर्धारित करता है. Pleiotropy. We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions, such a gene is called a pleiotropic gene. हमने पहले देखा कि एक सिंगल जीन का एक फिनोटाइप या ट्राइट पर क्या असर होता है। यहाँ पर हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, यानी एक जीन जीव के कई बाहरी लक्षणों को निर्धारित करता है। ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. ज्यादातर केसेस में प्लियोट्रॉपी का मैकेनिज्म यही होता है कि कोई जीन किसी मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित करता है जिसके कारण अलग अलग फिनोटाइप्स होते हैं। An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. उदाहरण के लिए phenylketonuria की बीमारी जो कि मनुष्यों में होती है। This disease is caused by the mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase single gene mutation. यह बीमारी जीन में म्यूटेशन हो जाने की वजह से होती है जो जीन एक एंजाइम जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इसे कोड करता है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। इसके कारण जीव का फिनोटाइप बदल जाता है तथा जीव मेंटली रिटार्डेड रहता है, साथ ही उसकी स्किन की पिगमेंट पर असर होता है तथा हेयर भी कम हो जाते हैं। म्यूटेशन म्यूटेशन इज द फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन द ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके कारण डीएनए की सीक्वेंस बदल जाती है तथा परिणाम स्वरूप जीव की जीनोटाइप तथा फिनोटाइप भी बदल जाती है। एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन के बाद म्यूटेशन ही ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण डीएनए में वेरिएशन या परिवर्तन होता है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 6, वन डीएनए हेलिक्स रन्स continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss, deletion or gain insertion duplication of a segment of DNA result in alteration of chromosomes. आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि एक डीएनए हेलिक्स क्रोमेटिड के एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत ही सुपर कॉइल्ड यानी बहुत ही टाइटली लपेटा हुआ होता है। यदि डीएनए के साथ एक भी डीएनए का एक्स्ट्रा टुकड़ा जुड़ जाए या उतर जाए तो क्रोमोसोम की बनावट बदल सकती है।
Since genes are known to be located on the chromosomes, alteration in chromosomes results in abnormalities or aberrations. जैसा कि हमें पता ही है कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, तो यदि क्रोमोसोम में बदलाव आएगा तो इससे जीव में एबनॉर्मैलिटी या एबरेशन हो सकती है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। ऐसी क्रोमोसोम्स की एबरेशंस या एबनॉर्मैलिटीज कैंसर सेल्स में अधिक होती हैं। म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। This is known as point mutation. Mutation DNA के एक बेस पेयर में छोटा सा बदलाव होने पर भी हो सकती है, इसे हम point mutation कहते हैं। A classical example of such a mutation is single cell anemia. Point mutation का एक अच्छा उदाहरण sickle cell anemia है। Deletions and insertion of base pairs of DNA causes frame shift mutation. यदि डीएनए में किसी बेस पेयर की डिलीशन हो जाए, यानी वह लॉस्ट हो जाए, या कोई नया डीएनए का बेस पेयर जुड़ जाए, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। हाउएवर, देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशंस। बहुत सारे ऐसे भौतिक तथा रासायनिक फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशंस ला सकते हैं। दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजन्स। इन्हें हम म्यूटाजन्स कहते हैं। यूवी रेडिएशंस कैन आल्सो कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। इट इज आल्सो अ म्यूटाजन। यूवी रेडिएशन जीवों में म्यूटेशन कर सकती हैं। इन्हें भी हम म्यूटाजन की श्रेणी में रखते हैं। सो इसके साथ ही हमारा म्यूटेशंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।